Hello viewers, let's return to nature for radiant and vibrant health. As we are speaking with Dr. Neeraj, we are learning quite a bit of information. So there are times we are having certain problems like emergency situations, a kid has having a burn, there is a sprain. So those kind of situations can we have any quick tips in naturopathy that we can follow so that way we don't damage it worse, we can have a healing faster. इमरजेंसी में जैसे किसी को चोट लग जाता है जल जाता है मोच आ जाती है उसमें जल से बेहतर कोई चिकित्सा नहीं हो सकती है जलने में जल से जो अंग जल गया है उसे जहाँ तक हो सके पानी में डुबा के रखें पानी की पट्टियाँ दें तो उसमें तुरंत राहत मिल जाती है उसी प्रकार से चोट लग जाता है कहीं किसी प्रकार के मोच आ जाता है तो उसमें भी बर्फ़ की पट्टी या खूब ठंडे पानी के तौलिया को भिगो करके बर्फ़ नहीं मिलता है तो ठंडे पानी के तौलिये को हम ये दे सकते हैं उसको लपेट कंप्रेस दे सकते हैं एक ए, इंटरनेशनल लेवल पर एक सूत्र है राइस एंड माइस यानी कहीं भी चोट लग जाए तो उस अंग को रेस्ट देना चाहिए आइस कंप्रेस देना चाहिए और एलिवेशन ऊपर उठाकर रखना चाहिए और माइस यानी उसे मोमेंट देते रहना चाहिए आई से आइस कम सी से, से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन यानी उस अंग को रेस्ट दें आइस कंप्रेस दें और उसे उठा करके कर रखें ये बहुत ही चमत्कारी के लाभ करता है इसी प्रकार से मोच आ जाती है कहीं अचानक तो वहाँ बर्फ़ की सेकाई या ठंडे पानी की पट्टी जैसे मान लीजिए कहीं बर्फ़ नहीं मिलता है बहुत ऐसी जगह तो तौलिया भिगो करके खूब हवा में झटक करके और उस पर हम जो है ठंडी पट्टी रखते हैं तो उसे काफ़ी राहत मिल जाती है उसी प्रकार से कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जैसे मुझे हमेशा याद आता है कि सुबह सुबह छः बजे एक बच्चा मेरे पास आया उसका करीब छत्तीस सैंतालीस घंटे से पेशाब रुक गया था बच्चा तरफरा रहा था अब ऐसी स्थिति में उसको आते ही हमने एक तौलिया लिया खूब ठंडे पानी में डुबो करके चार पाँच तक करके पेशाब की जगह नाभि के नीचे रखा विद इन फाइव टू तो टेन मिनट बिल्कुल पेशाब खुल करके आया और बच्चा आराम से नींद से सो गया इस प्रकार से पेट में कहीं भी तकलीफ़ होती है पेट में गैस बन जाता है एसिडिटी बन जाती है पेट में किसी प्रकार की जो है घरघराहट, फरफराहट, सरसराहट जैसी कुछ अप्रिय संवेदनाएँ होती हैं तो उसमें ठंडी पट्टी जो है तौलिया भिगोया निचोड़ा और वहाँ पर रख दिया खूब ठंडा पानी का तो इसे बड़ी राहत मिल जाती है बुखार हो जाता है बुखार में सिर पर गीला तौलिया भिगोया निचोड़ा सिर पर गीला तौलिया नाभि के नीचे गीला तौलिया गर्दन के नीचे तौलिया एक से तीन एक सौ चार डिग्री बुखार में तुरंत राहत देता है इस प्रकार से विषम परिस्थिति में हाइड्रोथेरेपी का बहुयामी प्रयोग है और वैसे तो हम काफ़ी इसका हमारे यहाँ तो करीब एक दो सौ टेक्निक हैं अलग अलग हाइड्रोथेरेपी के जिसमें फुल सीट पैक है आपके ये हिप बात है स्पाइनल बात है जेट स्पाइनल बात है जेट स्प्रे स्पाइनल बात है सर्कुलर बात है वर्लपुल बात है तो कई सारे टेक्निक हैं जो हम उस वहाँ पर उपयोग करते हैं अलग अलग रोगों में लेकिन घर पर ये कुछ प्रयोग जो हमने बताया आसानी से हो सकता है और उसका जो है लाभ उठाया जा सकता है ड्यूरिंग एन एमरजेंसी लेट से फॉर इंस्टेंस दैडी हैज़ हैड अ बर्न Even in these situations, hydrotherapy is the best therapy. So, in case of a burn, the first line of uh, remedy would be to soak the area of burn in cold water. And if cold water, if, if there is no ice available, you can also take a, a towel and dip it in cold water and also place it in the area of the burn. Best would be to soak that area in cold water. Secondly, in case of a, an injury or a wound, in that situation, also the best would be to apply some ice and an ice pack on that area. If the ice pack is not available, or if ice is not available, again resort to something very practical like take a hand towel, dip it in very cold water, and pat it around the wound area and then cover the wound area. Same, same, uh, re same remedy can be used for a sprain as well take a cold towel dip it in cold water rinse, uh, just, uh, spin, uh, rinse it and spin it and then just put it over the sprained area doctor gave us a very interesting situation where he had a 6-year-old little boy who had not passed urine for over 36 to 40 hours and he was brought to him in a state of emergency at that point what he did was he took cold water towel dipped in cold water and he spread it over this kid's genitals and within a few minutes this baby this little boy started urinating and he was immediately relieved of the retention that was there in his body also when there is high fever when one is experiencing very high fever even at that time cold water hydrotherapy is the best you take some towels dip it in cold water and then put it below your navel on the forehead and also on the neck so in this way we can use some of the home remedies to address any kind of an emergency situation for a burn for an injury for a sprain and for fever wonderful thanks for having a detailed answer on the emergency points so there are like as you mentioned a fever is a common one for everybody and the burns is especially when they're having we don't know what to do we will definitely will think about something which you have read and we would have make a bad decision and then the kid will be suffering with the scar for a long time so this is a very good uh, like lot of good tips for our viewers so let's ask the next question so normally when i was in india i didn't have much allergies so i didn't have any pollen allergy i never had um, a fruit allergy so there are a lot of allergies which we are developing when we move from India to US. So what kind of things which we can do to and also here not for me but like many kids have nut allergies. So there are like many kinds of allergies like dairy allergies. They cannot have milk. So there are all these things. Can we have natural cure for those? Allergy can be of And allergy that जो हमारे शरीर में जा कर के प्रतिक्रिया पैदा करता है कुछ ऐसी मास्ट सेल्स होते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार के हिस्टामिन हैं और उसमें और बहुत सारे केमिकल उसको रिएक्शन करके उसको जो है कुछ को, को बिल्कुल तोड़ देते हैं जिससे जो है ना कई प्रकार के छींक आ सकती है पेट में डायरिया हो सकता है आपके दमा हो सकता है अस्थमा हो सकता है तो कई प्रकार के एलर्जी देखने को मिलता है अलग अलग आहार से हो सकता है अलग अलग पंख से हो सकता है धूल से हो सकता है किसी को किसी को वातावरण के कारण ये वातावरण चेंज होता है उसके कारण भी हो सकता है किसी को जो है ऊनी कपड़े से हो सकता है उलन से हो सकता है खान पान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है लोगों के अलग अलग जैसे दूध हुआ मूंगफली हुआ आपके कुछ लोगों के पपीता से भी हो जाता है तो ऐसे कई प्रकार के और उसका एक ही कारण है मूल कारण है कि हमारे शरीर में जो रेजिस्टेंस पावर है जो डिफेंस मेकानिज़म है उसकी कमी हो रही है वैटिलिटी है इनेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है लोअर वैटिलिटी लोअर रेजिस्टेंस पावर तो उस रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है तो उसे इंक्रीज करने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग कराते हैं क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में मूल ये है कि भाई रॉन्ग फीडिंग रॉन्ग लिविंग रॉन्ग थिंकिंग रॉन्ग कल्टिवेशन फैबिट रॉन्ग बिहेवियर ये इनसे शरीर में टॉक्सिक मैटर इकट्ठा होता है विजातीय पदार्थ निकलता है बनता है जिसे टॉक्सिक मैटर बॉडी मैटर पॉइजनस मैटर फॉरन मैटर जब तक वो सिस्टम को डिटॉक्सिफाई नहीं करें तब तक एलर्जी से मुक्त होना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी टेम्पररी रूप में जो हम एलर्जी के कुछ इलाज करते हैं जैसे मान लो जुकाम हो जाता है साइनोसाइटिस हो जाता है एलर्जी की रिनाइटिस हो जाता है तो उस अवस्था में हमें इसका अजवाइन का भाप जो है ना बहुत उपयोगी होता है तो स्टीमर होता है लोकल जो है मार्केट में मिल भी जाता है तो उसमें पानी में डाल करके अजवाइन और उसका भाप जो है आपके चेहरे का नाक का छाती का गले का देते हैं उसमें गले की लपेट भी बांध देते हैं आपके इसके अतिरिक्त जो है करीब 25 ग्राम 25 मिलीलीटर सरसों का तेल लें उसमें छः सात लहसन पाँच ग्राम अदरक छः सात लौंग काली मिर्च दस बारह इसे कूट करके अच्छी तरह से और अजवाइन करीब सात से दस ग्राम कूट करके और उस तेल में और गरम करें जब लहसुन और अदरक का पानी जल जाए तो उसे उतार करके रख लें और उसे जो है रात्रि को सोते समय थैली पग तली के मालिश करें एक दो एक एक बूंद नाक में डाल करके और वो अजवाइन का जो भाप दें तो इससे जो है अद्भुत लाभ मिलता है एक दो दिन में ही एक दिन में ही करीब करीब जो है ये एलर्जी के जो आपके रिनाइटिस है साइनोसाइटिस है उसमें तुरंत लाभ मिलता है इसके अतिरिक्त जो है पेट की ये क्या नाम है आपके दूध की एलर्जी है बहुत लोगों की तो दूध के एलर्जी वालों को रोगियों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि दूध ना दे करके उसे दही बना करके और थोड़ा थोड़ा दें ताकि जो है ना सिस्टम हमारा उसे एडॉप्ट करने में समर्थ हो जाए क्योंकि दूध और दही में बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है उसको संस्कारित दूध को संस्कारित करते हैं तो दही बन जाता है उसको छाछ बना करके थोड़ा थोड़ा दीजिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रोबायोसिस का निर्माण हो जाता है जिसको हम लैक्टोविसलस केसी लैक्टोविसलस बलगेस लैक्टोविसलस एसिडोफिलस इत्यादि दर्जनों जो है उसमें आपके प्रोबायोसिस पैदा होते हैं जो हमारे यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे पेट के जो माइक्रोबायोसिस है आपके जो यानी पेट की इकोलॉजी है उस इकोलॉजी को माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी उसको जो है इनक्रीज करते हैं भांति भांति के जो है हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है उसको सपोर्ट करते हैं जिससे जो है एलर्जी की स्थिति जो धीरे धीरे लेकिन थोड़ा थोड़ा देना चाहिए और उसमें जो मूल रूप से जो लैक्टोज होता है लैक्टोज का रूपांतरण हो जाता है जिससे जो है आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस जो स्थिति पैदा होती है वो भी कम होता चला जाता है तो इस प्रकार से जो ना छाछ या दही का प्रयोग करते हुए इसका जो है और मूँगफली वगैरह का एलर्जी हो जाती है बच्चों को तो मैं तो कहूँगा कि भाई माताओं को जब गर्भावस्था में होती है ना तो उसे माताओं को जो ना मूंगफली मूँगफली थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए ताकि होने वाले बच्चे को भविष्य में मूँगफली से या जो भी इस प्रकार का आहार है उससे एलर्जी से वो बच्चा जो ना क्योंकि उसके प्रति उसके अंदर जो है सहनीय क्षमता पैदा हो जाती है और एलर्जी होने की संभावना खत्म हो जाती है एलर्जी नहीं होती है सो एलर्जीज कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स यू नो एनवायरमेंटल एलर्जी एलर्जीज फूड एलर्जीज डस्ट एलर्जी पोलन एलर्जी एंड द बेसिक रीजन व्हेन द पीपल डेवलप एलर्जीज इज़ बिकॉज ऑफ द लो डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी द सिस्टम और लो इम्यूनिटी पावर और द लो रेजिस्टेंस पावर so the dr nagendra here is recommending that how do we enhance our immune system and our immune immunity powers so basically all of these conditions rhinitis sinusitis uh, any kind of allergy is to reinforce our immune system and to build our immune system so first of all he has talked about the preparation of take, uh, preparation of a certain oil for the purposes of uh, cyanitis and uh, uh, any other allergies where it is more of a practical application on the palms and the soles of the feet here what we do is we take mustard oil and then we add about 5 to 6 cloves of garlic in that and add some ajwain in that and add some black pepper seeds in that and then give it a little boil and then cool it and then take this oil and uh, do, do the oil application on the palms and the soles of the feet. In case of severe congestion in the, the nasal area and the sinitis and the head and the rhinitis, the best remedy here is to take a few seeds of ajwain and then to use our steamer or vaporizer and add these seeds and take the steam and inhale that, with that, there is an immediate uh, relief in the congestion in the head and the nasal air, nasal region and also in the throat region. So, next he has talked about lactose intolerance. So, basically, when um, the probiosis and the ecosystem of our gut is disturbed, that is when there is this kind of uh, gastrointestinal allergies, food allergies are being developed. For that, Dr. Neeraj suggests that we instead of taking milk, is to make yogurt at home with the culture with the live culture and try to take yogurt homemade yogurt or buttermilk in order to build the immune system and to increase the probiosis in the in the comp component in the gut and to increase and enhance gut health Lastly but least he talked also talked about uh, the peanut allergy which we find is very common here His suggestion is that when a, lady, when a woman is pregnant, it is a good idea to start eating peanuts so that the child will not develop any allergies, or maybe even eat different kinds of nuts in order to reduce the probability of the child having any kind of allergies in the future. The best way to consume peanuts and nuts is to soak them overnight and then eat it next morning. I think it is a nice, detailed tips on many kinds of allergies that we are going through thanks a lot for both of you to explain in detail because normally we just take zyrtec or whatever we just immediately pop in a pill and just get through this allergies but it is not solving the problem it's only reducing the symptoms for us so it's very good there is no side effects we can always try it and thanks a lot for the tips